गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत और इतिवृत्त, ठीक है, उसमें हमने जो मुगल शासक हैं उनके सिंहासन और दरबार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें हमने अकबर जहांगीर के दरबार और राजधानियों के बारे में और अन्य जो शासक उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां का सिंहासन, जो शाहजहां हैं उनका सिंहासन कैसा था और जो शाही पदवियां उपहार नजराने ये क्या थे, ये हम आज देखेंगे। जो हमने पीछे देखा था इसमें वो यही था कि भाई दरबार के लिए दरबारी शिष्टाचार क्या होता है, दरबार में अभिवादन क्या होता है, ठीक है, जरोखा, दरबारी दिनचर्या, शाही उत्सव समारोह, है ना। फिर इसमें शाही उत्सव में भी तीन टॉपिक थे, सामूहिक सामाजिक समारोह, शाही विशिष्ट समारोह और शहजादों की शादी। अब जो अपना अगला जो पॉइंट्स है वो है शाहजहां का सिंहासन। दरबार के वर्णन में सिंहासन के बारे में वर्णन किए बिना बात अधूरी रह जाएगी, ठीक है। बादशाह नामा में शाहजहां के रतन जड़ित सिंहासन का विशेष वर्णन दिया गया है। यह आगरा के किले में सार्वजनिक भवन था। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित यह एक अनोखी कृति थी। यानी शाहजहां का जो सिंहासन जो है, ठीक है, इसमें हीरे ज्वारा सोना चांदी रतन जड़ित बहुत ही बहुमूल्य जो पत्थर थे उन सब से बनाई हुआ एक ये सिंहासन था। यानी स्वाभाविक बात है बहुत ही महंगा सिंहासन था। शाहजहां ने सिंहासन के अतिरिक्त दिल्ली के लाल किले में तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे था इनका, आगरा में। अब दूसरा जो इनका सिंहासन का जिन्होंने निर्माण करवाया था जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं उसका था दिल्ली में ये। अब इसको बनने में 7 वर्ष का समय लगा। यानी इनके जो सिंहासन थे इन राजाओं के मुगलों के, इनके सिंहासन को बनने में ही 7 साल का समय लग गया। अब आप सोच सकते हो कि 7 साल में जो सिंहासन ही बना है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें नक्काशी होंगी, उसमें कलाकृतियाँ होंगी, उसको पत्थर से बनाया गया था, हीरे ज्वारात थे उसमें, सोना चांदी लगा हुआ था उसमें, अलग अलग उसके डिजाइन बने हुए थे। यह 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस सिंहासन के केंद्र में एक थंब 12 स्तंभों पर था, यानी 12 स्तंभ यानी इसके नीचे के जो पायदान ये पाए उनके बीच में एक थंब था। इन स्तंभों की टांगे सोने की थी। ये जितने भी स्तंभ थे 12 स्तंभ इनकी भी जो नीचे टांगे थी वो सब क्या थी, सोने की थी। हीरे ज्वारा तो मणियों से नहीं सजाया गया था। इन 12 स्तंभों में प्रत्येक के बीच 2-2 सोने के मोर अंदर मुंह किए हुए खड़े थे। यानी जो 12 स्तंभ थे हर एक पर 2-2, ठीक है, यानी 24 स्तंभ हो गए और उनके ऊपर क्या थे, सोने के मोर अंदर मुंह किए हुए खड़े थे। मुख्य थंब के ऊपर सोने की परत से तैयार किया एक स्वर्ण वृक्ष था। मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में निर्मित सबसे महंगी कृति थी जिसे विश्व में अतुलनीय करार दिया गया था। यानी जो शाहजहां है इन्होंने मुगल शासक में यही था, जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी या फिर दूसरे धर्मों के जो लोग थे उनको कम इज्जत दी गई थी, ठीक है। इनके हालांकि जो इतिवृत्त है इसमें ये बताया गया है कि भाई वो समानता से व्यवहार करते थे, है ना, लेकिन जो अपने ऊपर भी इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया था, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो शाही शौकत शान शौकत इनकी जो थी उसमें इन्होंने ये पैसा लगाया था। अब है शाही पदवियां उपहार व नजराना। अब ये पदवी किसी को उपाधि देना, ठीक है, उपहार नजराने ये क्या है। मुगल शासन काल में पदवियां उपहार नजराना भेंट दरबारी व्यवस्था का अभिन्न अंग था। इसके लिए कई तरह के शिष्टाचार व परंपराओं का पालन किया जाता था। इसके बारे में मुगल शासक अपनी शान शौकत और पारिवारिक मर्यादा का ध्यान रखते थे। यानी किसी का कोई ब्याह शादी है, ठीक है, किसी का कोई भाई राजा अभिषेक है या राज तिलक है या फिर कोई इस तरह की इनकी कोई भी जो नया काम होता था वहाँ पर, तो ये जो शाही जो मुगल शासन काल जो था इनका, इसमें ये उपहार देते थे, नजराने पेश किए जाते थे, इनको पदवियाँ अलग अलग जो इनके मंत्री वगैरह होते थे उनको देते थे। तो इसमें क्या आता है वो हम आगे देखेंगे। पदवियाँ, मुगल शासक स्वयं भी विभिन्न उपाधियों को धारण करते हुए पदवियां ग्रहण करते थे तथा अधिकारी मंत्री व अभिजात वर्ग के लोगों को भी उन्हें सुशोभित करते थे। मुगल शासक स्वयं उपाधि पदवी 2 अवसरों पर धारण करते थे, एक राज्य अभिषेक के अवसर पर तथा
दूसरी दूसरा किसी शत्रु विशेष को पराजित करने पर। यानी ये खुशी का था भाई, या तो उनका राजा अभिषेक है, ये भी खुशी का माहौल है, या किसी दूसरे राजा की सेना को हरा के आए हैं, ठीक है, तो भी ये खुशी होती थी, तभी इनको पदवी मिलती थी, ठीक है। राजा अभिषेक के समय पदवी धारण करने का अर्थ इस बात से लिया जाता था कि शासक किन आदर्शों के अनुरूप शासन करेगा। शासक इस बारे में अपने सलाहकारों से विचार विमर्श के उपरांत पदवी का निर्णय लेता था, फिर न कि उद्घोषक द्वारा लेबर ढंग से दरबार में उच्चारित किया जाता था। इस अवसर पर दरबार में विशेष उत्सुकता की स्थिति होती थी, फिर शासक उक्त पदवी सहित अपना नाम शाही मुद्रा में खुदवाता था और मुद्रा में नाम अंकित होने के बाद पदवी को जनता द्वारा स्वीकृत माना जाता था। शासक की पदवियां शाही परिवार के सदस्यों को भी देते थे। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम द्वारा मेवाड़ के विजय के बाद उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। यानी जो शाहजहां जो है, इनका असली जो नाम था वो क्या था, खुर्रम था, लेकिन ये शाहजहां नाम इनको उपाधि में मिला था। क्यों मिला था? मेवाड़ के अंदर ये जीत करके आए थे, ठीक है, मेवाड़ में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद जो भी उपाधि किसी भी राजा को मिलती थी तो जो उनके जो दरबारी थे, ठीक है, वो उस पेज को लेकर के या फिर जिस किसी उसमें लिखा होता था इनकी पदवी के बारे में, जोर से उनको उच्चारण करते थे, उद्घोष करते थे, ठीक है। फिर जो शाही मुद्रा थी, मुद्रा का मतलब जो पैसा, जैसे अपनी मुद्रा क्या है, रुपया, ऐसे वहाँ रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, उन्होंने अपनी अपनी मुद्राएं बना रखी थी, ठीक है। तो मुगल काल की जो मुद्राएं थी उन पे इन्होंने ये अपनी जो पदवी थी उसको खुदवा लेते थे। यानी जैसे रुपए है तो रुपए को रुपया ऐसे लिखा है ना, तो अगर इनको पदवी मिल गई, जैसे मान लो खुर्रम जो था उसको शाहजहां की उपाधि पदवी मिली थी, तो ये उस अपने राज्य में जो मुद्रा है उन पे लिखा लेंगे खुर्रम, कुछ ऐसी थी, फिर वो जनता में जैसे जाती थी तो लोग उसको उस पदवी को बिल्कुल स्वीकार कर लेते थे, कहाँ भाई इनके नाम से जब मुद्रा चल रही है तो ये फिर अब इस पदवी से जाने जाएंगे। शासक विभिन्न प्रकार की पदवी अपने अभिजात वर्ग को भी देता था। किसी व्यक्ति को शासक द्वारा दी गई पदवी के आधार पर समझा जाता था कि उसकी वास्तविक हैसियत क्या थी। कुछ पदवियां केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही जानी जाती थी। मुगल दरबार में किसी मंत्री को दी जाने वाली उच्चतम पदवी आसफ खां थी। इस पदवी का उद्भव पैगंबर मोहम्मद के कल्पित मंत्री से माना जाता है। औरंगजेब के ने राजपूत अभिजात वर्ग के जय सिंह व जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। मिर्जा मूलतः मुगल वंश की पहचान थी, जबकि राजा की पदवी राजपूतों की योग्यता से प्रभावित होकर दी जाती थी। कई बार पदवी खरीदी जाती थी, इसके लिए अभिजात वर्ग खूब पैसे लुटाता था। औरंगजेब के काल में मीर खान नाम का एक मंत्री था, उसने अपने नाम से ए अक्षर लगाने अर्थात मीर से अमीर बनने के लिए आवेदन किया था, ठीक है। इसके नाम का एक मंत्री था और अपने नाम के सामने ए अक्षर लगाने से मीर से अमीर बनने का आवेदन किया। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि शासक यदि उसे दरबार में मीर खान के स्थान पर अमीर खान की पदवी दे दे तो 1,00,000 रुपया कोष में जमा करा देगा। इस तरह स्पष्ट है कि पदवी योग्यता खरीद बेच दोनों तरह से मिलती थी। यानी एक तो ये आसफ खां की जो पदवी थी, ठीक है, ये सबसे उच्च पदवी थी, जितने भी मुगल राजा हुए हैं इनमें इनका एक मंत्री था, ठीक है, सेनापति था आसफ खां, उनको ये उसके नाम से पदवी दी जाती थी। इसके अलावा ये जो मिर्जा राजा मिर्जा मुसलमानों का नाम हो गया और राजा राजपूतों का हो गया, यानी उन दोनों की पहचान, ये पदवी मिली हुई थी उनको, ठीक है। और कई बार खरीद भी लेते थे पदवी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ तो भैया अमीर बता रहा है कि मीर खान उसका नाम है तो अमीर खान हो जाएगा, तो अमीर खान के लिए राजकोषीय जो उनका जो राजकोष का जो है खजाना है उसमें वो 1,00,000 रुपए चंदा दे देगा, चंदा या फिर डोनेट कर देगा उनको। तो इस तरह से जो पदवियां थी उनको खरीदा बेचा भी जाता था वहां पे। अब है पुरस्कार। पदवियों की तरह पुरस्कारों के बारे में मुगलों ने आदर्श स्थापित किए थे। मुगल काल में सबसे बड़ा उपहार खिल्लत यानी सम्मान का जामा था। यह वह पोशाक थी जिसे कभी न कभी शासक द्वारा पहनी होती थी। इसको पाने वाला व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मानता था, क्योंकि शासक की ओर से दिया जाने वाला बहुत बड़ा आशीर्वाद होता था। शासक द्वारा सरप्पा सिर से पांव तक की पोशाक भी अभिजात वर्ग के लोगों को दिया जाता था। इसमें जामा, पगड़ी, पटका तीन वस्त्र शामिल होते थे। बादशाह किसी अवसर पर विशेष पर रतन जड़ित आभूषण भी पुरस्कार में देता था। इसमें कमल की मंजरियों वाले रतन जड़ित सेठ
पदम मुरस्सा आदि बड़ा माना जाता था। अभिजात वर्ग के लोग शासक के हाथों पगड़ी पहनना बहुत सम्मानजनक समझते थे और यदि शासक पगड़ी का कलगी लगा देता था दरबार क्षेत्र में चर्चा का मुद्दा हो जाया करता था। यानी जो पुरस्कार मिलते थे इनको, इनके मंत्रियों को या अभिजात वर्ग के लोगों को या जिनको भी, तो पुरस्कार के अंदर जैसे राजा ने कोई वर्दी अपनी पहनी है, कोई पोशाक है जिसके अंदर उनके छाती की जो कवच है उनको पटका बोला जाता है, ठीक है, जो पटका है वो। इसके अलावा जो सिर से लेकर पैर तक जो पहनने वाली पोशाकें हैं वो उनको दे दी जाती थी। तो वो लोग अपने को बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस करते थे कि भाई राजा ने अगर अपनी पोशाक मुझे दी है तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित हूँ, और लोग भी उसको सम्मान की नज़रों से देखते थे। और ज़्यादातर ये लोग किनको मिलती थी ये चीज़ें, अभिजात वर्ग यानी जो धनी वर्ग था उनको मिलती थी, ठीक है। कोई विशेष अवसर है तो उस पर रत्न जड़ित आभूषण भी दे देते थे वो। जैसे मान लो किसी ने गले में कोई माला पहन रखी है, बहुत अच्छा अवसर है और उसका मन खुश है, तो उसने अपनी वो माला रत्न जड़ित जो आभूषण है उनको दे दिया। और फिर इसके बाद एक ये था कि भाई कलगी, कलगी का मतलब होता है कि जो सिर के ऊपर अपना साफा मुकुट पहनते हैं, ठीक है, उस पे एक आकर्षक एक जैसे मोर के कलंगी है, ठीक है, माथे पे, तो इस प्रकार से वो लगा दी जाती है। सिर पे कलंगी जैसे मोर के, ऐसे उनकी पगड़ी के ऊपर एक इस प्रकार से एक डिजाइन सा होता है जिसमें उसको वो लगा देते थे। तो इस पे क्या, वो बहुत ज्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। तो जो शाही दरबार थे इनमें अमनियाज साझा का सिंहासन और भी शाही पदवियाँ क्या थी, क्या क्या उपहार, क्या नजराने थे, और इसके बाद पुरस्कार, वो पुरस्कार कैसे देते थे ये चीज़ हमने पढ़ा है। अब बच गया नजराना, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे नजराना क्या चीज़ है। आज अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।